दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दी अपनी 2019 की सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज सैमसंग S10, S10 प्लस और S10e। काफी सारे वीडियोस इसके बारे में आ चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 10 थिंग्स, वो 10 बातें अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप इन फोन्स को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन 10 बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज की अगर बात करें तो वो है बिल्कुल ही कंप्लीटली न्यू डिजाइन। 2018 में लगभग हर एक फोन कंपनी जिस डिजाइन के पीछे भाग रहे थे, नॉच वाला डिस्प्ले, सैमसंग ने उस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा और अपना नया डिस्प्ले लेके आए हैं, पंच होल डिस्प्ले। अगर बात करता हूं तो इस फोन के अंदर आपको मिलेगा हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लगभग 93%, जो कि S9 प्लस से काफी ज्यादा है। मतलब S9 प्लस के अंदर आपको 84% का बॉडी टू स्क्रीन रेशियो मिलता था। बैक जो है वो लगभग नोट 9 की तरह आपको नजर आएगी, लेकिन जो चीज एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगी वो है एक कैमरा और साथ में 3.5 जैक की वापसी। दूसरी अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपको वर्ल्ड फर्स्ट HDR 10 प्लस का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। अगर HDR प्लस डिस्प्ले की अगर बात करता हूं, आपको बता देता हूं कि जैसे मूविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें फ्रेम बाय फ्रेम आपका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करता है, कमाल की पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर आपको देखने मिलेगी। हालांकि HDR 10 प्लस का कॉन्टेंट अभी काफी कम है, लेकिन सैमसंग ने फ्यूचर का सोचते हुए आपको HDR 10 प्लस इसके अंदर दे दिया है, तो आने वाले टाइम में जब कॉन्टेंट काफी ज्यादा होगा तो फोन आपका बिल्कुल अपग्रेड होगा उस हिसाब से और आप देख पाएंगे HDR 10 प्लस अपने S10 सीरीज के फोन्स के अंदर। दोस्तों तीसरी अगर बात करता हूं तो वो है सैमसंग का अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वैसे तो और फोन्स के अंदर भी आया है, लेकिन अल्ट्रासोनिक थोड़ा सा अलग है। सैमसंग की जहां तक बात है तो सैमसंग बोलता है कि इसको फूल करना, मतलब इसको बेवकूफ बनाना जो है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक रेज इससे निकलती है जिससे अगर आपका जो अंगूठा या मतलब उंगली जो है वो आपकी अगर थोड़ी सी गीली भी होगी या मड वगैरह भी लगा होगा या पसीने वगैरह भी अगर आए हुए हैं उसके ऊपर, तो भी बड़ी आसानी से रीड कर लेगा और ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट, ज्यादा फास्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इसके अंदर। कि S10e वाले मॉडल के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर का मजा लेना है तो आपको ये दो फोन्स के अंदर मिलेगा, S10 और S10 प्लस के अंदर। दोस्तों चौथी अगर चीज की बात करता हूं तो आपको कंप्लीटली न्यू हार्डवेयर देखने को मिलने वाला है S10 की सीरीज के अंदर। स्नैपड्रैगन का 855 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बात करता हूं इंडिया की तो इंडिया के अंदर आपको एक्सिनोस 9 सीरीज का जो है प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 9820 है, 2.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। S10e जिसके अंदर आपको 6GB और 128GB का मॉडल देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी दोनों मॉडल्स की जो शुरुआत होती है S10 प्लस की और S10 की, वो 8GB से स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर आपको 8GB रैम और 128GB जो है स्टोरेज से मॉडल वो स्टार्ट होते हैं। बाकी एक मॉडल जो है वो एक्सक्लूसिव मॉडल इन्होंने निकाला है, जिसके अंदर आपको 12GB की रैम और 1TB का स्टोरेज देखने को मिलता है, बाकी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा के 512GB एक्स्ट्रा उसके अंदर आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ कि 1TB अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टोरेज हो जाता है फ़ोन के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 512GB का अलग से मेमोरी कार्ड भी उसके अंदर लगा सकते हैं। सैमसंग ने लगभग चेकबॉक्स लगा दिए हैं कि हाँ जी मैंने तो अब खैर मैसिव ऐसा फ़ोन बना के देना है कि मार्केट के अंदर अगर कोई बोले कि इसके कॉम्पिटिशन में दूसरा कौन सा फ़ोन है तो वो ढूंढना बड़ा भारी पड़ जाए। साथ ही आपको एंड्रॉयड 9 का सपोर्ट मिलेगा और वन UI जो सैमसंग का अपना एक मतलब कि UI है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वन UI जो है उतना नया नहीं है, काफी दिन पहले ही वो लॉन्च हो गया था, मतलब कुछ दिन पहले ही वो लॉन्च हो गया था, लेकिन वन UI का जो इंटरफेस है वो काफी अच्छा, मतलब लोगों का जो रिस्पांस है वो काफी अच्छा आ रहा है। और सिंगल हैंडेड अगर आपको फोन यूज करना है तो थोड़े आइकन्स वगैरह इसके अंदर थोड़े बड़े आएंगे, तो आपको सिंगल हैंड यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वन UI का एक अच्छा फीचर ये है कि अगर आप बड़ी स्क्रीन को भी सिंगल हैंड के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। अगले अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपको Bixby का सपोर्ट मिलेगा, जो कि आप ना भी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि Bixby एक ऐसी चीज है जो कि सैमसंग ने काफी मतलब कि एंटिसिपेट करके उसको लॉन्च किया था कि अगर गूगल असिस्टेंट है तो हमारा Bixby है, एलेक्सा है तो हमारा Bixby है, जो कि खुद मेरे पास S8 प्लस फोन था उसके अंदर मैंने यूज करी, काफी ज्यादा दिक्कतें मुझे उसके अंदर आई। मतलब कि अगर मैं वाईफाई ऑन करने के लिए बोलता हूँ ब्लूटूथ ऑन सुनने में ही इतना टाइम लगा देता है Bixby कि मैं सोचता हूँ कि मैं बोल चुका हूँ, फिर मुझे दोबारा बोलना पड़ता है तब जाके रिस्पॉन्स सही मिलता है, तो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव तो मेरे को Bixby अभी तक नहीं लगा है। इस बार अगर कोई इंप्रूवमेंट हुई है तो वो देखने वाली बात होगी। बाकी Bixby मैं ऐसा कोई एक्सक्लूसिव मतलब ऐसी कोई चीज नहीं बोलूंगा जो आपको फोन लेने के लिए मजबूर करे, बट Bixby इसके अंदर है तो बताना मेरा फर्ज था, वो मैंने आपको बता दिया।
अगली अगर बात करता हूं तो AI इंप्रूवमेंट। दोस्तों सैमसंग ने काफी काम किया है AI के अंदर और वो दिखने भी लग गया है। इस फोन के अंदर अगर आप कैमरा लेते हैं तो हाथ में, तो जैसे ही वो आप कैमरा लेंगे पिक्चर क्लिक करने के लिए, तो आपको इंस्टेंटली बताएगा कि ये स्पॉट बेस्ट है, इसके लिए आप पिक्चर ले सकते हैं। इवन आप जब कैमरे को जब मूव कर रहे होंगे तो आपको एक पॉइंटर बना के दिखाएगा कि अच्छा ये जो है आपको, अगर इस मोमेंट पे आप पिक्चर लेंगे तो आपको बेटर जो है वो रिजल्ट पिक्चर का निकल के आएगा। बाकी फोन के अंदर AI के काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स सी कितना AI इंप्रूव्ड हुआ है इस फोन के अंदर। धीरे धीरे फोन जो है मार्केट के अंदर जैसे सबके पास आता चला जाएगा तो रिजल्ट्स तो इसके आने ही लग जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अब एक ऐसी इंप्रूवमेंट की जो मुझे खुद काफी, मुझे इस चीज का इंतजार था कि कितना जो है कैमरे का इंप्रूवमेंट होगा, और कमाल का कैमरा इंप्रूवमेंट किया है फ्रंट और बैक दोनों के अंदर ही। मैं तीनों जो मॉडल्स हैं उसके अंदर कैमरा की डिटेल आपको बता देता हूं। शुरुआत करता हूं S10 से। S10 के अंदर आपको बैक में तीन कैमरे मिलेंगे, जो कि 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलेगा 2.2K अपार्चर के साथ, जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है। दूसरा 12 मेगापिक्सल का जो आपको वेरिएबल अपार्चर वाला मिलेगा 1.5 से लेकर 2.4 तक का, वो भी वाइड एंगल लेंस के साथ आपको मिलेगा। साथ ही आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है 12 मेगापिक्सल का, जो कि 2.4 के अपार्चर के साथ चलेगा। दोस्तों S10 और S10 प्लस दोनों के अंदर आपको बैक कैमरा सेम मिलने वाला है, S10e के अंदर आपको टेलीफोटो लेंस जो है वो नहीं मिलेगा। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरे में S10 प्लस के अंदर आपको दो कैमरा मिलने वाले हैं, एक तो 10 मेगापिक्सल का जो कि f1.9 के अपर्चर पे चलेगा, और एक आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जो कि लाइव फोकस पे काम करेगा। LED फ्लैश इसमें मिलने वाली है। साथ ही S10 जो है और S10e जो है उसके अंदर आपको सिंगल कैमरा मिलने वाला है फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का। एक कमाल की बात मैं आपको बता देता हूं, ये वर्ल्ड का फर्स्ट फोन है जो कि फ्रंट कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है। हालांकि 4K रिकॉर्डिंग जो है वो काफी सारा स्पेस आपका लेगी, लेकिन सैमसंग ने 128GB से स्पेस स्टार्ट किया है तो उसकी आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो फ्रंट कैमरे से भी आप 4K रिकॉर्डिंग अब कर पाएंगे। बात करते हैं 8वें पॉइंट की, बैटरी। बैटरी की अगर बात करता हूं तो S10e के अंदर आपको 3100mAh की बैटरी मिल जाएगी, S10 के अंदर आपको 3400mAh की बैटरी मिल जाएगी, और S10 प्लस के अंदर आपको मैसिव 4100mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि नोट 9 में 4000mAh की थी और S9 प्लस के अंदर 3500mAh की थी। तो बैटरी के मामले में सैमसंग S10 प्लस जो है वो काफी ऊपर चला गया 4100mAh में, तो दो दिन आपका आराम से निकाल देगा। अगर आपकी हैवी यूजर्स है तब भी आपका एक दिन तो बड़े प्यार से निकाल देगा। दोस्तों 9th अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपको चार्जिंग जो है तीन तरीके की चार्जिंग मिलने वाली, फास्ट चार्जिंग, आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलने ही वाला है, साथ ही आपको रिवर्स फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। रिवर्स फास्ट चार्जिंग क्या है कि अगर आप अपने फोन से किसी दूसरी डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप इससे कर सकते हैं, वो भी वायरलेसली आप इसको कर सकते हैं। तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा, वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, रिवर्स चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो चार्जिंग के अंदर भी उन्होंने अपने सारे चेकबॉक्स लगा दिए हैं, हर तरीके की चार्जिंग इसके अंदर आपको अवेलेबल है। इसके अलावा इसके अंदर एक 5G मॉडल भी आपको S10 का मिलेगा, हालांकि वो अभी इंडिया के अंदर कोई मतलब कि लॉन्च नहीं है उस चीज़ का, बट एक 5G मॉडल जो है वो अलग से इन्होंने रखा हुआ है, उसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। अभी हम 10th और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, इंडिया में प्राइसिंग क्या होगी। जी हाँ, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर कौन सा मॉडल कितने रेट पे आपको मिलने वाला है। बात करते हैं S10e की, तो ये 55,900 रुपए से स्टार्ट होगा। ये 6GB रैम और 128GB वाले मॉडल की मैं बात कर रहा हूं। बात करते हैं अगर S10 की, तो वो 8GB रैम और 128GB वाला मॉडल जो है आपको 66,900 रुपए का मिल जाएगा, और अगर बात करते हैं S10 प्लस की तो 73,900 रुपए के अंदर आपको 8GB 128GB वाला मॉडल मिल जाएगा। मैं बेसिक जो स्टार्टिंग मॉडल है उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो एग्जैक्ट ये प्राइसिंग आपको मिलने वाली है। जितना हायर मॉडल होगा उस हिसाब से प्राइस और ज्यादा ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये थी वो टॉप 10 बातें जो मैं आपके साथ बताना चाहता था, अगर आप S10 सीरीज को खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर S10 सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए, डेली वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।